ओके नेक्स्ट एक बहुत प्यारी फ्लावर की फोटो जो कि मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही मस्त एक नेचुरल सी वाइब इसमें है। इसको एडिट करना स्टार्ट करते हैं। ये फोटो रॉ में है डीएनजी, मैंने फोन से इस फोटो क्लिक किया एंड सबसे पहले लाइट्स में आते हैं। हाईलाइट थोड़ा सा कम करूंगा मैं, एक्सपोजर को भी थोड़ा सा कम, वाइट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, शेडोज को भी एंड वाइट्स को भी। यहाँ पर आते इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाई देंगे एंड टिंट जो है इसको भी हल्का सा बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस बढ़ाएंगे थोड़ा सा। कलर्स में आते हैं और ये ब्लू येलो कलर है इसका, इसको हल्का से ऐसे इस डायरेक्शन में रखते हैं। बेसिकली देखो इसमें मुझे करना क्या है कि बाकी सारी चीज़ों को डार्क सा करना है थोड़ा सा, और ये फ्लावर को बहुत पॉपअप सा करना है। तो हल्का सा क्या करेंगे, जो ग्रीन कलर इसको हम सैचुरेशन कम कर देंगे और लुमिनेंस भी कम कर देंगे, इसके अलावा ये जो कलर इसको भी। एंड अब आते हैं मेनली, पहले मैं एक बार हिस्टोग्राम खत्म कर देता हूँ। कर्व टूल के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम मेन जादू करेंगे इसमें। तो व्हाइट कलर में क्या करेंगे, शेडो थोड़ा सा कम करते हैं, पहले तो हाईलाइट को नॉर्मल रखेंगे, वाइट्स को भी नॉर्मल। अब इसमें हल्का सा फेड डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं एक बार, इसका जो टिंट है इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को भी थोड़ा सा कम करते हैं ऐसे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ही मस्त एक मास्किंग टूल का यूज करेंगे। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम कलर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, येलो कलर जो इसको सिलेक्ट कर लेंगे बस, ये रहा येलो, एंड इसको रिफाइन करेंगे तो सिर्फ जो एग्जैक्ट येलो है वही सेट होगा। तो इतना सिलेक्शन के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे एंड इस सिलेक्शन को हम इन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमारा जस्ट बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, तो देखिए बैकग्राउंड को हम ऐसे एक्सपोजर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और येलो कलर हमारा ऐसे खराब नहीं होगा। तो बिल्कुल हल्का ऐसे कम करेंगे इसको, पहले तो टेंट में आएंगे, यहाँ से जो कलर है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ऐसे छेड़ेंगे, बढ़ाएंगे पहले, और हल्की सी मैंने इसमें येलो टोन चाह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ऐसे पिंक से कलर लगे। इसका आप यू भी चेंज कर सकते हैं वैसे पूरी ओवरऑल इमेज का। तो ये देखिए ऐसे ये वाले कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं इसमें। तो इसके रिफाइन करके हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, इसको बढ़ा देंगे ताकि हमारे येलो पे फर्क ना पड़े। डन, ये वाले कलर करने के बाद हम इसको डन करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसकी क्लैरिटी थोड़ी बढ़ाएंगे ताकि हमारी वाटर जो ड्रॉप्स है वो बहुत प्यारी लगे। यहाँ पर आते हैं, इसका टेक्सचर बढ़ाएंगे एंड इसकी क्लैरिटी भी बढ़ा देंगे। तो भाई कितना प्यारा लग रहा है ये फूल। यहाँ पर एक बार दोबारा सेलेक्शन में आते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट लेते हैं नीचे की साइड से लीनियर वाला, और ऐसे इस पर थोड़ा सा एक्सपोजर इसका कम कर देंगे। सेम ऊपर की साइड से भी करेंगे एक बार। तो वापस आते हैं एक बार ग्रेडियंट इधर से एंड एक्सपोजर कम। डन, तो भाई ये फोटो यहाँ पर इतनी एडिट हो चुकी है अभी एंड आई थिंक ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर देखते हैं बिफोर आफ्टर, पहले फोटो ऐसी थी एंड अभी ऐसी हो चुकी है। तो बहुत ही मस्त ही एक वॉलपेपर वाली वाइब दे रहा है मेरे को। लेकिन इसमें हम और भी चेंज भी कर सकते हैं, हाईलाइट एंड शेडो में हमें कोई कलर अभी तक नहीं रखा है। तो यहाँ पर एक बार आते हैं, और सॉरी यहाँ पर हाईलाइट के लिए एक कलर टोन देखते हैं, तो हल्की सी येलो टोन ताकि हमारा येलो जो फ्लावर है वो खराब ना हो। एंड शेडोज के लिए देखते हैं क्या है कलर, ये वाले बिल्कुल पर्पल वाले कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं इसमें, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको शेडोज में ऐसे। इसके बाद लास्टली हम इसमें विनेटिंग थोड़ा कर सकते हैं। भाई साहब क्या लग रही है ये फोटो, ये तो बिल्कुल ऐसे वॉलपेपर बन चुका है यार। देखते हैं इसका बिफोर आफ्टर अभी फाइनल एक बार। वाह मतलब ये मेरे को बोला तो बेस्ट एडिट लग रहा है अपना अभी तक का इस वाली पूरी वीडियो में। बाकी आप बताना आपको ये लगा कैसा लगा।